वेलकम नमस्कार। नर्वस सिस्टम के चैप्टर को पढ़ रहे थे अपन, न्यूरल कंट्रोल एंड इट्स कोऑर्डिनेशन। और यहाँ पर अपन ने जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें ब्रेन को पढ़ लिया। अपने पहले ऐसा देखा था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीज़ें पढ़ेंगे, एक ब्रेन होगा, एक होगा आपके मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन को अपन ने कंप्लीट कर लिया। दो नंबर पर आता है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, दो नंबर पर चीज़ आती है वो है आपके क्या, स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु। देखो अपन ने देखा था एक भाग ब्रेन का क्या, मेडुला ओब्लोंगेटा। किसका भाग था ये? ये था ब्रेन के लास्ट पार्ट, हिंड ब्रेन का भाग था ये, मेडुला ओब्लोंगेटा से लेकर शुरुआत, यहाँ से शुरुआत होकर से लेकर पूरी बैकबोन, पूरी बैकबोन में फैली संरचना, पूरी बैकबोन में फैली संरचना क्या कहलाती है? ये सारी संरचना कहलाती है स्पाइनल कॉर्ड। इतनी संरचना फैली क्या कहलाती है? स्पाइनल कॉर्ड कहलाती है। इसको बोलते हैं मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन की तरह इसके ऊपर भी, ब्रेन की तरह इसके ऊपर भी तीन वही झिल्लियां पाई जाती हैं। उन तीनों झिल्लियों के वही बीच में CSF भरा रहता है, लिख लेना ये अलग अलग से। तीनों झिल्लियों को वही क्रम होता है ब्रेन की तरह ही, ब्रेन की तरह ही क्या, सबसे बाहर पता है आपको कौन सी? ड्यूरामीटर। बीच में अरेक्नोइड और अंदर पायामीटर। ये तीन क्या है? इसकी झिल्लियां हैं। तीनों झिल्लियों के बीच में द्रव्य भरा रहता है। इस के बीच में जो द्रव्य भरा है उसको बोलते हैं सब ड्यूरल कैविटी, गुहा स्थान, ठीक है। इसके बीच में सब अरेक्नोइड कैविटी। यहां पर क्या प्रेजेंट है? CSF फ्लूइड प्रेजेंट है। चीजें क्लियर है सारी? कोई अंतर नहीं, सेम चीजें आपने ब्रेन में पढ़ ली हैं। वो क्यों है? एक अलग बात क्या है, एक्स्ट्रा स्टार लगा के लिख देना कि यहां पर जो व्हाइट और ग्रे मैटर है उसका अरेंजमेंट अलग होता है मेरुरज्जु में। ये जस्ट ब्रेन से उल्टा होता है, ब्रेन के अपोजिट, ब्रेन के अपोजिट व्हाइट मैटर बाहर की तरफ, जबकि ग्रे मैटर है वो अंदर की तरफ होता है। याद रखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट है। जबकि ब्रेन में क्या है, ब्रेन के अंदर ग्रे मैटर बाहर की तरफ था और जो व्हाइट मैटर है वो किधर है? वो व्हाइट मैटर है अंदर की तरफ है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। अब देखो, एक स्पाइनल कॉर्ड मेरुरज्जु की काट का डायग्राम बना रखा है। स्पाइनल कॉर्ड का ये काट का डायग्राम बना रखा है, एक डिसेक्शन है TSI। अब काट में आपको नजर आ रही चीजें, ये सबसे बाहर देखो अरेक्नोइड है, ये पायामीटर है, और बाहर की साइड में कौन सी मिल जाएगी? और बाहर की साइड में मिल जाएगी आपको ड्यूरामीटर। तो ये मान लो ड्यूरामीटर है, उसके बाद में अरेक्नोइड है, और ये पायामीटर, तीन झिल्लियां हो गई, ये काट है। इस काट के अंदर दो प्रकार का मैटर है, एक जो ये मैटर नजर आ रहा है इधर वाला, ये सारा जो मैटर नजर आ रहा है आपको इतना, ये सारा का सारा मैटर कहलाता है क्या? ये कहलाता है ग्रे मैटर। और बाकी जो बच गया ना स्थान, ये वाला खाली जो स्थान बच गया, ये है आपके व्हाइट मैटर।
इस डिसेक्शन में आपको ऐसा नजर आ रहा है मेरु रज्जु की काट में कि दो प्रकार की अपने को खांच नजर आ रही है। एक ऊपर साइड में खांच है, उसको बोलते हैं डोर्सल फिशर, और एक यहां पर नजर आ रही है, उसको बोलते हैं वेंट्रल फिशर। डोर्सल जो खांच है, जो अदर खांच है, इस जो डोर्सल खांच है, डोर्सल खांच के अंदर जो पृष्ठ खांच है उसके अंदर सेंसरी नर्व आकर अटैक करती हैं, जबकि जो वेंट्रल फिशर है उसके अंदर मोटर नर्व का कनेक्शन रहता है। इसी प्रकार से ये जो ग्रे मैटर का जो स्ट्रक्चर बने ना, उस प्रकार से दो सींगनुमा स्ट्रक्चर बन जाती हैं, श्रृंग जैसी स्ट्रक्चर बन जाती हैं, उसको ऊपर वाले को बोलते हैं डोर्सल हॉर्न और नीचे वाले को बोलते हैं वेंट्रल हॉर्न। इस प्रकार से ये जो स्ट्रक्चर है और बीच के अंदर सेंट्रल कैनाल, मतलब ये पूरी की पूरी सेंट्रल कैनाल है, इस प्रकार से ये मान लो स्ट्रक्चर थी और इस स्ट्रक्चर को ऐसे काटा, ये थी जैसे मान लो स्पाइनल कॉर्ड, इसको ऐसे काटा ना तो बीच में अपने को ऐसी स्ट्रक्चर नजर आती है, उसको अपने डायग्राम में व्यवस्थित कर रहे हैं। ज़्यादा कोई बात याद नहीं रखनी है आपको, मेरु रज्जु के अंदर इतनी बातें याद रखनी है कि मेरु रज्जु जो है कहाँ से कहाँ तक होती है और मेरु रज्जु के अंदर ये चीज़ें अलग हैं कुछ, तो ये पॉइंट दो पॉइंट याद रखने हैं, बाकी इससे यहाँ पर कोई विशेष प्रकार का कोई क्वेश्चन बनता नहीं है। कार्य स्पाइनल कोड का पहला देखो, रिफ्लेक्स एक्शन का संचालन, पढ़ेंगे प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन ये मेरु रज्जु करता है। दो नंबर, स्किन तथा जो मांसपेशियां हैं मसल्स से जो सेंसरी संवेदी जो स्टिमुलस है ना, स्टिमुलस को ब्रेन तक ले जाना। तीसरे नंबर पर, इस स्टिमुलस को ब्रेन तक ले गए, उसके बाद में जो रिएक्शन होती है ना, जो अनुक्रिया होगी, उनको ब्रेन से संबंधित अंग तक ले जाना। तो ऐसा कर सकते हैं, इसके लिए मतलब रिफ्लेक्स एक्शन का सेंटर हो गया, ये रिफ्लेक्स एक्शन का सेंटर पार्ट है ये, या कह सकते हैं पांच नंबर पर, अपनी बॉडी प्लस ब्रेन, मतलब ब्रेन को हटाकर बाकी बात करें, बॉडी बॉडी तो प्लस ब्रेन के मध्य तालमेल बैठाना, उसके बाद इसमें जो CSF है वो क्या करता है, बाहरी आघातों से बचाता है। बचाएगा, ये कुछ है इसके इम्पोर्टेंट कार्य, एक बार पढ़ोगे आपके याद हो जाएंगे, ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा इसमें मैटर आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं। अब देखो इम्पोर्टेंट चीज़ है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम परिधीय तंत्रिका तंत्र, इसको देखो मैं आपको याद करवाता हूँ। पहले समझो आप, परिधीय तंत्रिका तंत्र में मैंने आपको बताया था कि जो ब्रेन से निकलने वाली नर्व, क्या नाम था उसका, क्रेनियल नर्व, और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व है जिसको बोलते हैं स्पाइनल नर्व, इन दोनों नर्व को शामिल करते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र में। ये होती हैं क्या, 12 पेयर, किस किस में होती है ये, एविज में 12, मेमल्स में, रेप्टिलिया में, इनमें 12 पेयर, तीनों याद रखनी है आपको। दो बात और याद रखनी है, पाइसीज में मतलब मछलियों में, प्लस एम्फीबिया में, ये 10 पेयर होती हैं,
इम्पोर्टेंट, बेहद इम्पोर्टेंट पर्सन है। एम्फीबिया और पिसीज में कितनी होती हैं? 10 जोड़ी। और मानव में सहित बाकी मैमल में, एविज में और रेप्टाइल्स में कितनी होती हैं? 12 जोड़ी होती हैं। क्रेलियन नर्व है, कपालीय तंत्रिकाएं, ठीक है। स्पाइनल नर्व जो होती हैं वो 3-4 याद रखना। देखो, एक फ्रॉग में याद रखना, क्योंकि फ्रॉग अपने सिलेबस में है। 10 पेयर, 10 जोड़ी होती हैं। कौन सी? मेरु तंत्रिकाएं। मानव में 31 पेयर, और खरगोश भी अपने सिलेबस में है। ये 3 महत्वपूर्ण याद रखना। इसके अंदर है 37 पेयर जोड़े हैं, ये भी याद रखना। तो अभी इनको याद कर लेना, लिख लेना। मैन अपने को किससे मतलब है? मैन अपने को मतलब है ह्यूमन से, अभी क्योंकि अपन ह्यूमन वाले को पढ़ रहे हैं। तो अभी 2 संख्या याद रखनी है आपको, कि मानव के अंदर है ये स्पाइनल है कितनी, 31, और ये वाली कितनी है। बाकी सबको मिटा देता हूं मैं, अपने को अभी 2 पर फोकस करना है। पर लिख लेना सारी आप, अभी 2 क्रेनियल नर्व है 12 जोड़ी, और स्पाइनल नर्व है वो 31 जोड़ी है। पहला प्रश्न तो याद रख लेना। दूसरा प्रश्न क्या याद रखोगे, कि क्रेनियल नर्व है वो आपके सेंसरी कोमा मोटर कोमा मिक्स्ड तीनों प्रकार की हो सकती हैं, जबकि स्पाइनल नर्व मिक्स टाइप की होती है। अब इनका मतलब समझ गए होंगे आप। ये मान लो हाथ अंगुली या अंगुली, अंगुली या शरीर का कोई भी अंग है, और ये ब्रेन है। तो इस अंगुली से ब्रेन तक जो मैसेज लेके जाएंगी उनको बोलेंगे सेंसरी नर्व। ब्रेन से जो वापस अंगुली तक मैसेज लेके आएंगी उनको बोलेंगे मोटर नर्व। और जो दोनों काम करेंगी उसको बोलेंगे मिक्स्ड नर्व। आ रही क्या बात समझ में? तो स्पाइनल नर्व मिक्स टाइप की होती हैं, जबकि क्रेनियल नर्व कुछ सेंसरी होती हैं, कुछ मोटर होती हैं, कुछ मिक्स्ड होती हैं, तीनों प्रकार की होती है। ये बात कोई, अब कुछ बातें यहां एक दो चीजें और रटो। क्या रटो? देखो, जो 12 जोड़ी है ना, 12 जोड़ी, ये 12 जोड़ी हैं, उन 12 जोड़ी के लिए आप 3 चीजें याद रखो। देखो, 12 को 1 से लेकर 12 नंबर से याद करवा रहा हूं आपको। देखो, एक चीज आपको याद रखनी है, पहले नंबर वाली 1, 2, 8, 3 भागों में डिवाइड कर लो इनको। 2 नंबर पे डिवाइड कर लो, 3, 4, 6, 11, 12, और तीसरे नंबर पर याद कर लो 5, 7, 9, 10। क्लियर है ना? 3 टुकड़ों में याद कर लो, 1, 2, 8, 3, 4, 6, 11, 12, और 5, 7, 9, 10, ठीक है। अब देखो, ये तीनों की तीनों है सेंसरी, ठीक है। ये वाली है मोटर, ऐसे लिखा है मैंने, और ये वाली है मिक्स्ड। 1, 2, 8 सेंसरी, 3, 4, 6, 11, 12 मोटर, और 5, 7, 9, 10 क्या है? मिक्स्ड है। अब देखो, ये जो 1, 2, 8 है ना, उसके लिए 3 शब्द याद रखना, OOA, या OOA को विस्तारित रूप से करूं तो पहला देखो ऑल्फैक्टरी, दूसरा है ऑप्टिक, और तीसरा है ऑडिटरी। मतलब ग्राण, सूंघना, ऑप्टिक दृक देखना, और ऑडिटरी सुनना। तो सूंघना, देखना और सुनना, ये जो 3 प्रकार की क्रेनियल तंत्रिकाएं हैं, ये केवल संवेदी प्रकार की होती हैं, संवेदनाओं को लेती हैं, केवल ग्रहण करती हैं ये।
कहां पर पाई जाती हैं, कौन सी नंबर की हैं ये, 1, 2, 8। ठीक है, इसमें एक चीज और नोट कर दूं यहां पर, ये सबसे छोटी, ठीक है, 1, 2, 8। अब यहां पर आपको एक शब्द याद रखना है, ओतास, ओ टी ए एस एच, ओतास या ओतास जो भी आप याद रखो, ओ टी ए एस एच। इस ओ का मतलब है, यहां पर लिख रहा हूं मैं, ओक्यूलोमोटर, ठीक है। टी का मतलब है, नाम लिख रहा हूं सबके, ट्रोक्लियर। ए का मतलब है एब्डुसेंस। एस का मतलब है स्पाइनल, और एच का मतलब है हाइपोग्लोसल ओतास। ज्यादा देखो मत हफ्ती करने की जरूरत नहीं है, आप मतलब इनको एक दो बार इसको याद करोगे, इसको याद करोगे, अपने आप याद हो जाएगी। ओक्यूलोमोटर 3 नंबर पर, 4 नंबर पर है ट्रोक्लियर, 6 नंबर पर है एब्डुसेंस, 7 नंबर पर है, सॉरी 11 नंबर पर है स्पाइनल, और 12 नंबर पर है हाइपोग्लोसल। ये क्या होती हैं, ये सारी की सारी मोटर नर्व होती हैं जो ब्रेन से किसी संबंधित अंग तक मैसेज को लेके जाती हैं। ठीक है, ये वाला। अब देखो इसका तो नाम से पता चला ओक्यूलोमोटर, तो कोई विशेष याद नहीं, यहाँ पर ओमेर इसमें इनमें कन्फ्यूजन नहीं होना आपको, क्योंकि यहाँ पर ओक्यूलोमोटर में नाम लिखा होगा, यहाँ पर तो मोटर लिखा हुआ आ गया ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये वाली हो गई। अब 5, 7, 9, 10 ये 4 बची, 5, 7, 9, 10। 5 का मतलब है ट्राइजेमिनल, 7 का मतलब है फेशियल, फिर कौन सी बची, 9 का, 9 का मतलब है ग्लोसो फेरेंजियल, और 10 का मतलब है वेगस नर्व। ये सबसे छोटी, ये सबसे बड़ी, सबसे बड़ी कौन सी, वेगस नर्व। 5 इसके लिए क्या लिख दोगे, टी एफ जी वी। कोई ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, आप एक ये शब्द याद रखना ओतास, और ये वाला याद रखना 1, 2, 8, 3, 4, 6, 11, 12, 5, 7, 9, 10। तो सबसे छोटी हो गई ऑप्टिक वाली, सबसे बड़ी हो गई वेगस वाली, 3 है सेंसरी है, 1, 2, 8, 3, 4, 6, 11, 12 क्या हैं आपके मोटर हैं, और 5, 7, 9, 10 क्या हैं मिक्स्ड हैं, टोटल हैं 12 जोड़ी। ठीक है, इतना सब के बाद में, इतना सब होने के बाद में आप अभी एक डायग्राम देखो, अभी आपको एक डायग्राम नजर आ रहा होगा, और मैं उस डायग्राम को आपको यहां पर एक्सप्लेन करता हूं। आप उस डायग्राम को देखते जाओ, अभी जो बात आपने लिख ली होगी या समझ ली होगी उसको आप क्लियर कट समझते जाओ। देखो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि इसमें देखो आप डायग्राम में आपको क्या नजर आ रहा होगा, 1, 2 और 8 देखो। सबसे पहले 1 क्या है, ओल्फैक्टरी, 2 क्या है, ऑप्टिक है, और 8 क्या है, ऑडिटरी। सबसे पहले तो इसका स्वभाव समझ लो आप, इसकी हैबिट क्या, सेंसरी है, मोटर है, आपके हैं मिक्स्ड है, उसके बाद का काम देखेंगे आपका। उसके बाद 2 नंबर पर क्या है, अब ये सारे का सारा अपन ने क्या पढ़ा, पढ़ा आपके सेंसरी पढ़ा। उसके बाद अपन देखते हैं 3, 4, 6, 11, 12। 3 नंबर पर देखो ओक्यूलोमोटर, 4 ट्रोक्लियर, 6 एब्डुसेंस, और 11, 12 स्पाइनल और हाइपोग्लोसिस। ठीक है, और बाकी कौन सी बच गई, बाकी बच गई 5, 7, 9, 10। 5 आपका ट्राइजेमिनल आपको सब दिख रहा है यहाँ पर, 7 आपको फेशियल दिख रहा है, 9 पर आपको ग्लोसोफेरेंजियल दिख रहा है, और 10 पर आपको वेगस नर्व दिख रही है। इस तरह से तो आपके याद हो जाएंगे इसके स्वभाव,
उसके बाद में इसका ओरिजिन देख लो। अगर पहले नंबर से देखते जाओ ऑल्फैक्टरी है, क्या होगा ऑल्फैक्टरी म्यूकस मेम्ब्रेन, काम क्या है इसका, स्मेल का, नाम से पता चल रहा है। उसके बाद दो नंबर वाला देख लो ऑप्टिक, कहाँ पर होगा, आंखों की रेटिना में, काम क्या है, देखना। उसके बाद में ओक्यूलोमोटर, ये भी ब्रेन में आँख में ही है, मतलब आँख में आपको ऊपर के तीन चार मिलेंगे, दो नंबर है, तीन नंबर है, चार नंबर है और आपको छह नंबर है, ये आंखों से संबंधित है देखने के लिए। फिर मोटर है, ये आपके नेत्र गोलक की गति के लिए है। ट्रोक्लियर है, ये आड़ी तिरछी पेशियों के लिए यहाँ पर प्रेजेंट है। फिर ट्राइजेमिनल है, मिश्रित है, ये क्या है आपके चेहरे पर होठ की इनकी पेशियों के लिए। उसके बाद एब्डुसेंस है, वो भी आँख के अंदर ही है, नेत्र गोलक की गति के लिए। फेशियल है, पता ही है फेस के ऊपर है संबंधित, तो गति है, लार स्वाद इनके संबंधित है ये। ऑडिटरी पता चलेगा, कान के अंदर सुनने संतुलन के लिए। नौ नंबर पर मिक्स्ड है, ग्लोसोफेरिंजियल, नाम से पता चल रहा है फेरिंग सारा शब्द, तो यहाँ पर ग्रस्थी से संबंधित हो गए, निगलने से संबंधित हो गया। वेगस तंत्रिका है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके उद्गम भी समझना, हार्ट है, फेरिंग्स है, स्टमक है, आपके ट्रेकिया है, एलिमेंट्री कैनाल है, ब्लड वेसल्स है, और ये अपनी बॉडी के इंटरनल जो फंक्शन है उनको नियंत्रित करती है। फिर स्पाइनल एसेसरी और हाइपोग्लोसल, स्पाइनल एसेसरी है गर्दन व कंधों की पेशी से संबंधित है, और हाइपोग्लोसस ये किससे संबंधित है, आपके जीभ की मसल से संबंधित है, जीभ की गति संबंधित है। इतने डिटेल इनके बारे में जानने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि स्पाइनल आपके सेंसरी कौन है, मोटर कौन है, ये सब चीज़ें ही आपको यहाँ से पूछी जाएंगी, ज़्यादा कोई चीज़ें यहाँ से पूछी नहीं जाती। इसके बाद में क्रेनियल नर्व के बाद में अपने को पढ़नी है 31 जोड़ी, क्या ये सरल है इससे भी ज़्यादा, स्पाइनल नर्व, स्पाइनल नर्व है कितनी 31 पेयर। स्पाइनल कोड पता ही है आपको, आपको पहले याद करवाया था है ना, आपके सर्वाइकल है, आपके लंबर है ना, थोरेसिक है, ये सब आपको नाम याद करवाया था। तो यहां पर देखो गर्दन के अंदर गिरवा मतलब सर्वाइकल, इसके अंदर कितनी है, इसके अंदर है 8 पेयर। उसके बाद में थोरेसिक वक्षीय, ये आपके अगर कंकाल तंत्र याद है तो याद हो जाएंगे सारी, थोरेसिक इसमें कितनी है 12 पेयर है। उसके बाद में कटी लंबर, इसमें कितनी है 5 पेयर। उसके बाद में त्रिक और अनुत्रिक, ठीक है, ये क्या हो गया त्रिक और अनुत्रिक, सेक्रम और कोकाइक्स, यहां पर कितने 5 पेयर और यहां पर कितनी है 1 पेयर। टोटल याद रखना इसका CTLSC 8 12 5 5 1 20 25 30 और 31, ये 31 जोड़ी अपने बॉडी के अंदर स्पाइनल नर्व पाई जाती है, ठीक है, ये वाली आपको याद रखनी है, 31 जोड़ी स्पाइनल नर्व पाई जाती है। आपको अगर वो याद है ना, जब आपको अपने कंकाल तंत्र पढ़ा था तो अगर वहां पर कशेरुक दंड का पूरा पैर याद है तो आप इसको आसानी से कर लोगे, यहाँ थोड़ा अंतर आएगा, वहाँ पर बाकी सब चीज़ें सेम आती हैं, 8 12 5 5 1 इस प्रकार से ये चीज़ें पाई जाती हैं। तो ये है आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र, जिसमें आपने क्रेनियल तंत्रिका तंत्र और आपके जो है स्पाइनल तंत्रिकाएँ हैं उनको पढ़ा है। अगले टर्म में पढ़ेंगे अपन ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।